नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। एक सर्वेक्षण के अनुसार कम से कम 86% कर्मचारी अगले 6 महीने में नई नौकरी की संभावनाएं तलाश सकते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सभी क्षेत्र, वरिष्ठता और आयु वर्गों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि प्रतिभाशाली कर्मचारी अगले कुछ महीने में कंपनी बदल सकते हैं। यह सर्वेक्षण भारत समेत 12 APAC बाजारों में 15 क्षेत्रों में 3,069 उत्तरदाताओं पर आधारित है, जिसमें कर्मचारी बाजार को कैसे देखते हैं और ये वर्ष के दौरान कैसा रहेगा उस पर प्रकाश डाला गया है। पेशेवर भर्ती सेवा फर्म माइकल पेज इंडियाज टैलेंट ट्रेंड्स 2022 की रिपोर्ट द ग्रेट एक्स के अनुसार भारत में 86% कर्मचारी अगले 6 महीने में नई करियर संभावनाओं की तलाश करने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि अविभाजित हिंदू परिवार का पिता या फिर अन्य व्यक्ति किसी पैतृक संपत्ति को केवल नेक मकसद से ही उपहार स्वरूप दे सकता है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ये मान्य परंपरा है कि अविभाजित हिंदू परिवार का पिता या फिर कोई अन्य व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति को उपहार के तौर पर केवल धार्मिक या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए ही उपहार के तौर पर देने योग्य होगा। महाराष्ट्र में 2019 में हुए फोन टैपिंग मामले की जांच कोलाबा पुलिस कर रही है। जांच में पता चला है कि संजय राउत और एकनाथ खड़से का फोन झूठे नामों से टैप किया गया था, मतलब फोन नंबर उनका था लेकिन नाम किसी और का था। उन्हें असामाजिक तत्वों के रूप में बताया गया था। खड़से का फोन 67 दिन और राउत का फोन 60 दिनों तक टैप किया गया। पाकिस्तान के नए नवेले पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को चिट्ठी तो लिखी लेकिन उसमें कश्मीर का राग भी अलाप दिया। पाकिस्तान में चर्चा चल ही रही थी कि मोदी चिट्ठी का जवाब देंगे या नहीं देंगे कि इसी बीच मोदी ने चिट्ठी का जवाब देने से पहले ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दाग दी है। खास बात यह है कि ये मिसाइल नौसेना और वायुसेना के कोऑर्डिनेशन से दागी गई है। ब्रह्मोस के दागते ही पाकिस्तान में खौफनाक सन्नाटा और चीन में बेचैनी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के घर पर पंजाब की पुलिस पहुंची है। सुबह सुबह पुलिस ने पहुंचने की जानकारी कुमार विश्वास ने खुद ट्वीट करके दी। इसके साथ ही उन्होंने भगवंत मान को चेतावनी भी दी कि वो केजरीवाल पर भरोसा ना करें और उन्हें भी धोखा देंगे। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं, तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों को दी गई ताकत से खेलने दे रहे हो वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से जारी तेज गर्मी के बीच लोगों को आज मामूली राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज से मौसम बदल सकता है। दिल्ली, असम, मेघालय और आसपास के राज्यों में आज झमाझम बारिश की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 21 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ चीन और पाकिस्तान को लेकर सीधी बात करने वाले हैं। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय खोलने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि जॉनसन गुजरात में गुरुवार को एक कारखाने का उद्घाटन करने और फिर शुक्रवार को दिल्ली में आधिकारिक बैठक करेंगे। अमेरिका दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसके मुताबिक वित्त मंत्री ने दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री होंग नाम की के साथ बैठक में हिस्सा लिया। वित्त मंत्रालय ने अपने कई ट्वीट संदेश में इन बैठकों की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सीतारमन और नामकी के बीच भारत और दक्षिण कोरिया के आर्थिक रिश्तों को मजबूती देने से जुड़े कई मसलों पर बातचीत हुई है। समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 की 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागशीर को बुधवार को लॉन्च किया है। लॉन्चिंग प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डॉक्स में ये की गई है और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये बेहद आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम्स से लैंस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है। अभी एक साल तक समुद्री परीक्षण होने और उसके बाद सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को लक्ष्मी भंडार नामक परिवारों की महिला मुखियाओं के लिए राज्य के बुनियादी आय सहायता कार्यक्रम के विस्तारित संस्करण का शुभारंभ किया, जो अब से 5 लाख और परिवारों को कवर करेगा। सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के अवसर पर यह ऐलान किया है। इस अवसर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने से लेकर के सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में निवेश का आह्वान किया है। वहीं अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने राज्य के 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का भी ऐलान किया है।
रूस अपने ऊपर लगे चौतरफा पाबंदियों के जाल में घिरता जा रहा है। ऊपर से लॉजिस्टिक की उलझन ने उसे चिंता और बढ़ा दी है। इसकी वजह से रूस में मेडिकल उपकरण कम पड़ने लगे हैं और अब वो इसके लिए भारत की तरफ देखने लगा है। 22 तारीख को इस संबंध में दोनों देशों के मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के बीच बातचीत होने वाली है, जिसमें रूस के इस संकट के समाधान का कोई उपाय तलाशा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के पहले हफ्ते में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस सहित 3 यूरोपीय देश की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान जर्मनी और फ्रांस में 2 द्विपक्षीय कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी की इस साल की ये पहली विदेशी यात्रा होगी। यात्रा के दौरान पीएम मोदी का एक बड़ा वक्त डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में बिताया जाएगा। यहां वो दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेलवे मार्ग के काम की रफ्तार तेज हो गई है। 16,216 करोड़ रुपए के इस रेल प्रोजेक्ट में शिवपुरी से 82 तक के बीच 1 किलोमीटर की सुरंग को सिर्फ 26 दिन में ही बनाकर नया कीर्तिमान रच दिया गया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल विकास निगम के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही देश की प्रतिष्ठित कंपनी L&T की तारीफ की है। गुजरात दौरे के तीसरे और अंतिम दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन करते देखे गए। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में उद्योग प्रमुख, शिक्षाविद और क्षेत्र के जानकार शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट परीक्षा के जरिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पैरामेडिकल स्कूल की स्थापना, आयुष कॉलेज की संबद्धता जैसी शिक्षा को लेकर कई अन्य बड़ी घोषणाएं की है। CM ने कहा है कि GNM और BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों को पहले नीट परीक्षा पास करनी होगी। झारखंड सरकार ने देवघर जिले के त्रिकूट पर्वतीय क्षेत्र में केबल कार हादसे की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। बता दें कि इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी और अब 60 से अधिक लोगों को केबल कार से सुरक्षित निकाला गया था। झारखंड पर्यटन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और इसके अध्यक्ष 10 अप्रैल को घटना की जांच में मदद के लिए देश के किसी भी संस्थान के किसी भी विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट के साथ पहली बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों में सबसे अहम रहा प्रदेश के 4 शहरों में पर्यटन विकास के लिए काम करना। इसके लिए इन शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने की प्लानिंग भी की गई है। अब कौन कौन से शहर है और कैसे इसमें शुरू होगी यहाँ पर हवाई सेवा, तो बैठक में जिन 4 शहरों को हवाई सेवा के लिए चुना गया है उसमें लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर बड़ी संख्या में देशी विदेशियों की मौजूदगी रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस भी भारत आए हैं। वो मोदी से मिले और उनकी काफी बातें भी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध ने गैस, पेट्रोल और खाद्य चीजें महंगी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई 40 साल में सबसे टॉप पर है। बता दें कि 20 अप्रैल को इस युद्ध का 56वां दिन था। इस बीच ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की टेड्रोस सरकार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और पुतिन की बेटी समेत 14 रूसी अरबपतियों पर भी बैन लगा दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका निर्यात के मोर्चे पर पिछड़ता जा रहा है। इसका फायदा भारतीय निर्यातकों को मिल रहा है। भारतीय कपड़ा निर्यातकों को ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के देशों से ज्यादा ऑर्डर मिलने लगा है। यहां तक कि अब उन देशों से भी ऑर्डर मिलने लगा है जहां भारत में बने कपड़े की मांग कम थी या फिर वहां भारतीय कपड़ा निर्यात ही नहीं होता था। SS राजमौली की फिल्म RRR अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कन्नड़ फिल्म के GF चैप्टर 2 के रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों का झुकाव यश की इस फिल्म की तरफ बढ़ने लगा है। ऐसे में फिल्म RRR को इसका नुकसान होता दिखाई दे रहा है। फिल्म ने जहां शुरुआत में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं तो वहीं अब फिल्म का असर कम होता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि रानू मंडल का स्टारडम खत्म हो गया है तो शायद आप गलत हैं। इंटरनेट सेंसेशन रानू मंडल नए वीडियो के साथ लौटी हैं, जिसमें वो बांग्लादेश के सुपरस्टार हीरो अलोम के साथ सिंगिंग करती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो कुछ दिनों पहले ही यूट्यूब पर शेयर किया गया जो अब वायरल हो गया है। बता दें कि हीरो अलोम ने पिछले साल नवंबर में अपने फिल्म के लिए रानू मंडल के साथ गाना रिकॉर्ड भी किया था और इसकी घोषणा भी की थी। हीरो अलोम ने 10 अप्रैल को यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो रानू मंडल के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपना पहला गाना तुम ही ज्यादा अमीर रिकॉर्ड करते हुए दिख रहे हैं।
इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट को झेल रहे द्वीपीय देश श्रीलंका के लिए बुधवार को एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल कर्ज के जाल में फंसकर कंगाल हो चुकी सोन की लंका के लोगों की रक्षा करने के लिए अब विश्व बैंक आ गया है। इस संबंध में जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश को उबारने के लिए विश्व बैंक ने आपातकालीन सहायता देने पर हामी भरी है। पिंक विला को रिपोर्ट बताती है कि बॉलीवुड अभिनेता और भारतीय कप्तान 2022 की शीतकालीन शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने ये भी बताया है कि सुनील शेट्टी जो मैंगलोर के मुल्की में एक मैंगलोरियन तुलु भाषी परिवार में पैदा हुए थे और एक दक्षिणी भारतीय हैं और अपनी बेटी की शादी दक्षिणी भारतीय विवाह समारोह में करेंगे। शेट्टी परिवार के एक करीबी सूत्र के मुताबिक इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। उनके माता पिता दोनों आथिया और केएल राहुल से प्यार करते हैं और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो ये जोड़ी 2022 के अंत तक शादी कर लेगी। भारत सरकार के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने ग्रुप ए बी और सी पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है जिसके लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल पोर्टल BIS.gov.in पर जाना होगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन की डायरेक्ट लिंक नीचे साझा की गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक कुल 337 वैकेंसी इसके जरिए भरी जाएगी जिसमें ग्रुप ए के असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर, ग्रुप बी के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट और ग्रुप सी के स्टेनोग्राफर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे पद सम्मिलित है। कोरोना की आपदा से उभर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 के लिए अनुमान जारी किए हैं। IMF के मुताबिक चीन के मुकाबले इस साल भारत दोगुनी रफ्तार से तरक्की करेगा। IMF ने 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.2% की दर से ग्रोथ का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि ये ग्रोथ रेट पिछली बार 9% के अनुसार से कम है और इससे पहले विश्व बैंक ने भी भारत के विकास दर अनुमान को घटा दिया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। गहलोत ने कहा है कि प्रशांत किशोर का अनुभव विपक्ष को एकजुट करने में काम आ सकता है। इतना ही नहीं, गहलोत ने प्रशांत किशोर को देश का ब्रांड तक कह दिया है। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव और कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए पेश की गई रणनीति पर पार्टी के अंदर गहन मंथन का दौर जारी है। बढ़ती महंगाई का एक और झटका लगने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट कंपनियां कीमतों में एक और बढ़ोतरी करने जा रही है। क्रिसील की एक रिपोर्ट के अनुसार ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से लागत में उछाल का असर कम करने के लिए सीमेंट कंपनियां कीमतों में बढ़त की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां प्रति बैग 50 रुपए की बढ़ोतरी कर सकती है। पिछले 12 महीने में कंपनियां सीमेंट बैग में 390 रुपए की बढ़त कर चुकी है। रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने मंगलवार को कहा है कि वो फैशन हाउस अबू जानी संदीप खोसला में 51% की बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। दोनों पक्षों की तरफ से जारी संयुक्त बयान के मुताबिक रिलायंस समूह की कंपनी RBL ने AJSK में खुद या फिर अपनी सहयोगी कंपनियों के माध्यम से निवेश के लिए एक निर्णायक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, अफसाना खातून, रंजीत मिश्रा, सुभाष ठाकुर, प्रिया यादव ऑफिशियल, रितेश यादव, नुनू कुमार, टुनटुन यादव, अनिश कुमार, कौशलेंद्र कुमार, धीरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में बढ़ रहे COVID-19 के मामलों को देखते हुए क्या दिल्ली की ही तरह सभी राज्यों में मास्क अनिवार्य देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।